सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंग में। मूल रूप से यह चैनल विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर सृजित किया गया है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए इतिहास विषय से संबंधित जानकारियां यहां उपलब्ध कराई जाती हैं। आजकल मेरे इस चैनल में MCQ टाइप के प्रश्न रखे जा रहे हैं और लगभग हम 24 MCQ तक पहुंच चुके हैं, 24 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। MCQ टेस्ट सीरीज की जो यह श्रृंखला है, उस श्रृंखला में विभिन्न सेक्शन से 15 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में अपलोड किए जाते हैं और विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम सब पहुँचाएँ। आज की इस MCQ 25 नंबर की सीरीज में भी हम 15 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं और यह सेक्शन है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य से। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य से 15 प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाना है और इसके उत्तर आपको MCQ टेस्ट सीरीज 26 नंबर की सीरीज में अपलोड किए गए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम MCQ 25 नंबर की सीरीज की ओर चलें, हम MCQ 24 नंबर की सीरीज को अपलोड करने का, उसके आंसर शीट को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर MCQ 24 नंबर की सीरीज के आंसर शीट। 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं क्रमशः बोल देता हूँ। पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथे का बी, पांचवें का बी, छठे का सी, सातवें का डी, आठवें का उत्तर होगा सी, नवें का उत्तर होगा सी, दसवें का उत्तर होगा डी, ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर है बी, बारहवें का उत्तर है ए, तेरहवें प्रश्न का उत्तर है बी, चौदहवें प्रश्न का उत्तर है डी और पंद्रहवें प्रश्न का उत्तर है ए। तो ये 15 प्रश्नों की उत्तर है जो MCQ 24 नंबर की सीरीज में आपसे पूछे गए थे। इस आंसर शीट के माध्यम से आप अपना इवैल्यूएशन खुद करेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम MCQ 25 नंबर की सीरीज की, 15 प्रश्नों की जो यह सीरीज है उसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। बहुत सरल प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? चार ऑप्शन है, 18, 21, 24 और 15। आपको इन चार विकल्पों में से सही उत्तर के सही विकल्प का चयन करना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सही है वो आपको बताना है। चार स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट को पढ़िए और उसमें से जो स्टेटमेंट आपको सही लगता हो उसके हिसाब से आप ABCD का चयन कीजिए। पहला है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। दूसरा विकल्प है, औरंगजेब के देहांत के बाद आने वाले 52 वर्षों में 8 शासक सत्तारूढ़ हुए। तीसरा विकल्प है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
और चौथा विकल्प है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस तरह से एबीसीडी में से आप एक सही विकल्प का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 3, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम निम्नलिखित में से कौन था? बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के देहांत के बाद जो शासक बनते हैं, जिसको आप उत्तरकालीन मुगल सम्राट कहते हैं, उसमें से पहला शासक है बहादुर शाह प्रथम। आपको बताना है कि उसका मूल नाम क्या था। 4 विकल्प दिए गए हैं, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद काम बख्श, मोहम्मद मुअज्जम। इन 4 प्रश्नों में से, इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। चौथा प्रश्न, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहादुर शाह प्रथम ने अपने आप को बादशाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोषित किया? बहादुर शाह प्रथम ने अपने आप को बादशाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोषित किया? 4 ऑप्शन है, शाहदौला, जाजाऊ, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। 5वां प्रश्न, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में ईरानी और तुरानी गुट का विकास किसके शासन काल में हुआ? आप जानते हैं कि उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 2 गुट दरबार में विकसित हुए, 3 गुट हुए, बाद में हिंदुस्तानी गुट भी आया, लेकिन यहां आपको बताना है ईरानी और तुरानी गुट का विकास किसके शासन काल में हुआ। 4 ऑप्शन है, जहादार शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख शियर और मोहम्मद शाह। 5वें प्रश्न के बाद दोस्तों हम चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 25 नंबर के सीरीज में 6ठा प्रश्न है, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक स्टेटमेंट है, वह अंतिम बादशाह था जिसके बारे में कोई अच्छी बात कही जा सकती है। सिडनी ओवेन साहब का यह स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि सिडनी ओवेन साहब का यह कथन किस बादशाह के संदर्भ में है, किस बादशाह के संदर्भ में सिडनी ओवेन साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि वह अंतिम बादशाह था जिसके बारे में कोई अच्छी बात कही जा सकती है? औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम और फर्रुख शियर। 7वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हिंदुस्तानी गुट के नेता सैयद बंधुओं की सहायता से कौन बादशाह बनने में सफल रहा? 4 जो विकल्प दिए गए उनमें से बताना है कि कौन व्यक्ति बादशाह बनने में सफल हुआ सैयद बंधुओं की सहायता से। 4 ऑप्शन है, जहादार शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख शियर और इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। 8वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन तुरानी गुट से संबंधित था? जो 2 गुट बने हैं, जिसकी चर्चा भी कुछ देर पहले हमने किया है, कुछ समय पहले किया है हमने, तुरानी गुट से कौन रिलेटेड है? इन 4 विकल्पों में से ये आपको बताना है। जुल्फिकार खां, चिनकलिस खां, सैयद बंधु, रफी उद्दौला। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9 प्रश्न है, मराठा शासक साहू को बंदी गृह से मुक्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? आपको उस मुगल सम्राट का नाम बताना है जिसने मराठा शासक साहू को कैद से आजाद किया, बंदी गृह से मुक्त किया। 4 ऑप्शन है, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फर्रुख शियर और औरंगजेब। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। 10वें प्रश्न पर चलते हैं, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह कौन बादशाह था जिसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई? क्षय रोग दैट मीन्स टीवी, ट्यूबरक्लोसिस। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन बादशाह था जिसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई? 4 ऑप्शन है, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और रफी उद्दौला। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 25
ग्यारहवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ग्यारहवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाह बेखबर के नाम से विख्यात था? जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन मुगल सम्राट शाह बेखबर के नाम से विख्यात था। चार ऑप्शन है, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बारहवां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? निम्नलिखित में से किस बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? चार विकल्प हैं, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय। इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तेरहवां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय इतिहासकारों ने निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को घृणित कायर की संज्ञा से विभूषित किया है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। भारतीय इतिहासकारों ने निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को घृणित कायर की संज्ञा से विभूषित किया है? चार ऑप्शन है, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, रफीउद्दौला, फर्रुख सियर। चौदहवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चौदहवां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल में जजिया कर वापस ले लिया गया? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। मुगल बादशाह मुस्लिम शासन काल में हिंदुओं से, गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला धर्म के नाम पर जो टैक्स था वो जजिया कर के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक वो पहला बादशाह था जिसने इस टैक्स को हिंदुस्तान में लागू किया था हिंदुओं के ऊपर। तब से ये लगातार चला आ रहा था। अकबर के शासनकाल में इस जजिया कर पर रोक लगाई गई थी, लेकिन औरंगजेब के आने के बाद फिर से यह टैक्स हिंदुओं पर लगा दिया गया था। अब आपको बताना है कि औरंगजेब के मरने के बाद यानी उत्तर मुगल सम्राटों के अंतर्गत कौन सा वह मुगल बादशाह था जिसने इस जजिया कर को वापस ले लिया? चार ऑप्शन है, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। और आज के MCQ टेस्ट सीरीज यानी MCQ 25 का आखिरी और 15वां सवाल आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अंबर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि किस शासक ने प्रदान की थी? अंबर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि किस शासक ने प्रदान की थी? चार ऑप्शन है, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह। तो दोस्तों ये रहा MCQ 25 नंबर की सीरीज के 15 सवाल। सवाल बहुत कोशिश किया हमने कि थोड़ा आसान सवाल आपको दिए जाए और उम्मीद करते हैं इन 15 प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचेंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि इतिहास विषय के विभिन्न सेक्शनों की जानकारी मेरे विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आपके ज्ञानार्जन में कितनी वृद्धि हो रही है आप खुद इसका इवैल्यूएशन करें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को पंख लगाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, उस पर कॉमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच, अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसको सब्सक्राइब कर सकें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब हमें इजाज़त दें, अब हमें विदा दें।
फिर मिलेंगे छोटे से विश्राम के बाद, छोटे से अंतराल के बाद, एक नए टेस्ट सीरीज को आपके सामने लाकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।